हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनार टेक्नो। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ NCL सुपरवाइज़र एंड टेक्नीशियन वैकेंसी 2020 के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ किस किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है, क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और सभी चीज़ इस वीडियो में आपको पूरा मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड, आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC के लिए 500, SC और ST वालों के लिए फ्री है। एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। वैकेंसी टोटल 512 पोस्ट हैं, जिसमें सुपरवाइज़र असिस्टेंट फॉरमैन की 29 पोस्ट है, टेक्नीशियल की 433 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, असिस्टेंट फॉरमैन की 7 पोस्ट है और असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की 22 पोस्ट है। टेक्नीशियल फिल्टर की 149 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 174 पोस्ट हैं, टर्नर की 19 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट की 8 पोस्ट हैं और वेल्डर की 83 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। आवेदन प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड, अगर आपने भी पॉलिटेक्निक किया है, हाई स्कूल पास हैं और ITI डिप्लोमा है, तो जल्द ही इस वैकेंसी को फिल कर दें। फ्रेंड, अगर बात किया जाए कि किस किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है, भर्ती जो आई है वो है असिस्टेंट फॉरमैन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट फॉरमैन वैकेंसी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है, इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, ओनली पास, परसेंटेज की कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। फ्रेंड, असिस्टेंट फॉरमैन पोस्ट के लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और असिस्टेंट फॉरमैन पोस्ट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए और मैकेनिकल से 3 ईयर का पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेंड, अब बात करते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए। टेक्नीशियन फिल्टर पोस्ट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए और फिल्टर ट्रेड से 2 साल का IIT कंप्लीट होना चाहिए और 1 ईयर का मिनिमम 1 ईयर का अपेंटिस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए और 1 ईयर का अपेंडिक्स होना चाहिए। टर्नर पोस्ट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, टर्नर ट्रेड से 2 ईयर का ITI कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का अपेंटिस होना चाहिए। मैकेनिस्ट पोस्ट के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, मैकेनिस्ट ट्रेड से 2 ईयर का ITI कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का अपेंटिस होना चाहिए। वेल्डर पोस्ट के लिए वेल्डर ट्रेड से 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का अपेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड है जहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे वेबसाइट का भी लिंक अवेलेबल है। बाय बाय।